हेलो दोस्तों, मैं हूँ गमू राजस्थानी का पीडीपति तग्गू राजस्थान। राम राम, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कल वाला वीडियो जो था तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया और कुछ असामाजिक थे, उन्होंने वीडियो को तोड़ मोड़ के गलत दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। और वैसे मुझे पता है कि उन्होंने जो कमेंट आए थे तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे कमेंट किए, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर 10-15 आइडिया थी जिन्होंने गलत कमेंट किए थे। 15 में से 10 आइडिया तो घमुड़ी की थी, मैं पहचानता हूँ। तो घमुड़ी की जो आइडिया थी उसमें से एक एक आईडी से 20-20-30-30 बार कमेंट आ रहे थे, गलत गलत, क्योंकि मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो भाई तगु भाई, ऐसे कमेंट, गलत कमेंट करने से कोई वीडियो बंद नहीं करेगा और न ही तगु की आवाज दबेगी। जितने आप गलत कमेंट करोगे उतने पिटारे ज्यादा कर लेंगे, ये देख लेना। और रही बात सरित्र की, तो भाई सरित्र जो कोई कहता है कि उसका सरित्र अच्छा है, कहने वाला ही बेवकूफ है, ठीक है ना? और सभी लोगों को पता है, क्योंकि इसकी चरित्र का परीक्षण पहले भी हो चुका है। जब वो गोधन प्रकरण था और एक इसके साथ में अध्यापिका लगी हुई है, उसका जो पति कपिल वाला प्रकरण था, उसमें मैंने स्पष्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 7 तक वीडियो बनाए और उसमें व्हाट्सएप चैट, एक नहीं 500 व्हाट्सएप चैट, ऑडियो वीडियो सारे दिखाए। और ये आप सब लोगों ने देखे होंगे, बाकी जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम नहीं है, तो आप मेरे पुरानी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिखा हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वीडियो वो मैंने बनाए और ये सारे जो अभी लल्लू पल्लू कमेंट कर रहे हैं और कमोड़ी वगैरह सारे एक बिल के अंदर घुस गए थे। फिर लोगों ने मुझे कहा, भाई देखो तब भाई एक बार समझौते का प्रयास करो, लेकिन मुझे पता था कि ये समझौता करने वाली नहीं है और ये जिद्दी महिला है, ठीक है, ये सिर्फ लोगों के बहकावे में आके किसी दूसरे के, इसके खुद के पास कोई दिमाग नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चलती है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कौन चलाता है? तब मुझे पता चला तो आप लोगों ने वो देख लिए होंगे पुराने पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके अंदर मैंने बकायदा आरोप लगे हैं, तो उनके सबूत मैंने पूरे के पूरे डाले हैं, व्हाट्सएप चैट डाले, ऑडियो वीडियो सब सबूत डाले हैं। और माहौल पूरे को पूरे पब्लिक को पता चल गया कि भाई इसका चरित्र कैसा है और क्यों ऐसे नाटक कर रही है, और जो मारपीट का मामला था वो बिल्कुल झूठा था, और इसे सिर्फ तलाक लेके आगे डील हो रखी है और वही काम करना है। फिर भी मैंने जो मेरे गांव के समाज के थे उन लोगों के कहने से मैंने कहा चलो लड़ी है, राम खड़ी ही की है तो ना खाए टाल तो थोड़े बोले, तो धूड़ी लाए किकर कर पाचो घर जमाओ, टाबरा हमेशा राम जागो और घर जमाओ। तो मैंने ये आपको बताया, 1 महीने से मैं राजीव वाला प्रयास कर रही हूँ और समझो तक मैंने खूब प्रयास किया, इधर लोगों से बातें की और सबसे कहवाया, लेकिन मैंने कोई नेगेटिव एक वीडियो भी नहीं डाला आपको बता पिछले 1 महीने से। बट इस घमोड़ी के पर डे मेरे ऊपर ही टारगेट करके मुझे ही वीडियो मैं लिया जाता था, कभी डॉक्यूमेंट का आरोप लगा दी, कभी मकान का आरोप लगा दी, कभी कोई गांव में बकरियों गम जावे तो क्या बकरियों तक सोरी कर लिए होगे, कभी कोई कटे है कोई आदमी मर जावे तो क्या तक मार दिए होगे, या कभी कोई एक्सीडेंट हो जावे, या कभी कहीं घटना कटे भी कोई घटना घटी तो वह तो तक कर दिए होगे, मतलब सीधा मेरे को टारगेट किया जा रहा था, उसका समझौते में 1% भी मन नहीं था। और समझौता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से होता नहीं। और यहाँ जो अभी उसके जो अंधभक्त है वो भी कह रहे थे कमेंट में कि घमू कभी समझौता नहीं करेगी, और आज वही वापस आ गए। तो भाई मुझे क्लियर बताओ कि वो समझौता नहीं करने का कारण क्या था और वो बार बार क्यों मना कर रही थी। तो मैंने उसी पर गहनता से जांच की भाई है क्या ये समझौता क्यों नहीं करना चाहती। तो पूर्व में एक वो गोधन था, वो आज तक कभी सामने नहीं आया, यदि इतना वो दूध का धुला हुआ होता तो सामने आता और बोलता कि भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरा कोई लिंक नहीं है।
आपको पता है सबको, पुराने वीडियो मैंने उसका बिल्कुल स्पष्ट नाम लिया था, आज भी ले रहा हूँ वो था। लेकिन उसके और इसकी कंडीशन क्या थी कि उसने जो व्हाट्सएप चैट था उस व्हाट्सएप चैट के अंदर इसने कहा भाई तू परमानेंट मेरे से शादी कर, और उसने कहा भाई परमानेंट मैं शादी नहीं करूँगा, मैं 7 दिन में तेरे से मिलने आ जाऊँगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैट के ही अंदर था मामला, तो परमानेंट के लिए वो एग्री नहीं हुआ और इसने जिद करी कि भाई परमानेंट कर, तो शादी करो मेरे साथ है। तो उसने कहा भाई मेरे तो दो बच्चे हैं, बीवी है, अब वो मुझे आने नहीं देंगे, 7 दिन में एक बार मिलूँगा। तो मतलब इस बेशर्म औरत को कुछ नहीं है, बच्चे बच्चे। और वैसे आपने कल और वीडियो देखा होगा, आप कह रहे हो कि भाई अपने इतने बड़े बच्चे हैं और ये दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो मैं बता दूँ, मैं कम्युनिटी पे डाला है मैंने वो वीडियो, देखना आज का ही वीडियो है, बाद में न्यूज़ में चल रहा है। एक गुड़िया बड़े बड़े बच्चे हैं 13-17 साल के, और पति को और बच्चों को छोड़ के किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है और ये संभव नहीं है, संभव है कई जगह होती है। और ये तो ठीक है, मेरे अभी शादी कची हुई है तब जा नहीं पा रही है, क्योंकि इसका एक तो नौकरी का लगा है, नहीं तो ये कभी भाग जाती। अब इसको नौकरी भी करनी है क्योंकि नौकरी के डाल तो खाएगी, और फंसी हुई है बच्चों के अंदर और नौकरी के अंदर, ये खुली होती तो कभी भाग जाती। और इसको पता है ये तगुआ ना चुपचाप बैठा है, तब तक बैठा है, और ये क्या कर सकता है उसको भी पता है, डर तो है। लेकिन मैं पहले समझौते के मूड में था, मैंने प्रयास किया कि भाई समझौता कर ले। लेकिन अब इसकी आदतें देख के, और इसने 1 महीने तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और मेरे खिलाफ कंटिन्यू इसने वीडियो जारी रखी। और कई लोग कल कमेंट में बोल रहे थे कि भाई आप झूठे हो और आप गलत आरोप लगा रहे हो महिला के ऊपर। तो मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बहुत प्रयास किया समझौते का, नहीं हुआ समझौता, और फिर भी मैं कंटिन्यू रखता समझौता। जब मुझे ये आगे लगा, मेरे को आप ही बता दो कि जब एक पति को पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ इस हालात में, ये तो ठीक है हमारा 5 मिनट का ही गैप था, नहीं तो आपको रंगे हाथों में आपको ज़रूर वीडियो बताता, निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं और कभी हाथ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मामला सिर्फ 5 मिनट का ही था, 5 मिनट पहले जाता तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ और ये वीडियो ज़रूर मिलते, और नेक्स्ट बार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि गलती करेगा तो एक दिन तो पकड़ में ज़रूर आएगा, ये क्लियर है। तो भाई आप बता दो कि क्या मैं आंखों के आगे ये गेम देखता रहूँ क्या, चुपचाप बैठा रहूँ देखता रहूँ और समझौते का प्रयास करता रहूँ? सॉरी भाई, इतना मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कब तक करूँ? और बकायदा मैंने सबूत दिए, गौतम तड़के दिए, इसके जो एक कपिल करके था उसके दिए, वो आपने देखे नहीं सबूत? तो दोस्तों मैंने जो मेरी पीड़ा थी और मुझे मेरे जो सामने आया है वो बात मैंने शेयर की आपके आगे, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हुई भाई? जो हंसी बात है पास हमें कहाँ तो दूरी क्या लगे। और मुझे पता है कि जो इसके अंधभक्त थे, बाकी ज़्यादातर तो घूमों की ही आइडिया थी, जो फेक आइडिया, वो एक एक आइडिया से 20-20 बार 30-30 बार कमेंट करी, तो भाई एक कमेंट कर दूँ मैं तो पढ़ के समझ जाऊँगा, और बाकी मैं तो ज़्यादा कमेंटों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। एक आईडी से 20 बार कमेंट करने से क्या हासिल करना चाहते हो? मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? तो कोई भी पति अपनी आंखों के आगे इस हालात में पति को नहीं देखना चाहता है पत्नी को, और गलत करेगी तो उसकी सज़ा मिलेगी। आपको समझौता करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और जब तक ये मामला चल रहा है तब तक तो हम कुछ होने नहीं देंगे, यदि कोई गलत करता हुआ पाया गया तो बिल्कुल जो हमसे होगा वो हम करेंगे। हमें समझौते का पहले भी प्रयास कर रहा था और आगे भी मेरा विचार था कि मैं ऐसे नेगेटिव वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है कि मेरे आंखों के आगे ऐसा काम हो रहा है तो वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने कल एकदम ही वीडियो बनाया। और बाकी इसके चरित्र का तो पूर्व में मैंने कई हवाले दिए, कई वीडियो बनाए, आपने देखे होंगे, जिसमें बकायदा व्हाट्सएप चैट वीडियो ऑडियो सारे डाले हैं, कितनी दूर से धुली हुई है सबको पता है। और अब ऐसी औरत को रखना भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो ये कारनामे कर दिया ना, दूसरों को खाने पे बैठा के दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो ये हमें भी आता है और हम भी इस प्रकार चला सकते हैं, फिर रोना मत, ठीक है ना भाई? हिम्मत है तो तुम सामने आके बात कर, मैं दो सबूत, कितने चाहिए सबूत? और रही बात कह रही कि भाई इतने बड़े बच्चे और अब शादी नहीं करेगी, तो वह क्या दूर खा रही थी?
और कल वाला जो आज मैंने कमी पीढ़ी डाला है, एक बाड़मेर में टीवी पत्रकार है उसने वीडियो बनाया, वहाँ एक और नया आज पीढ़ी पति आया बाड़मेर के अंदर, वो बेचारा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, एक बुढ़िया बच्चों को और बड़े बड़े बच्चे 14-15 साल के उनको छोड़ के भागे, तो वो भी महिला थी। तो ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में छोड़ छोड़ के जा रही है, तो मेरे हिसाब से गलत हो रहा है और ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज मेरे मुझे बदनाम बार बार करके गई वो घमुड़ी, और एक कल और एक पीड़ित पति सामने आया है, तो पीड़ित पतियों की हालात ख़राब हो रही है और घर टूट रहे हैं, और काफ़ी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो इनको वीडियो वॉचिंग करते हैं, तो उनके अंदर ये गलत थिंकिंग जा रही है कि इस हिसाब से अपन वीडियो बना के पतियों को परेशान कर सकते हैं। तो ये कोई अच्छा भला काम नहीं कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है। और मेरा तो ये कहना है कि भाई आप सही का सपोर्ट करो, अब मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मैं चला रहा हूँ, नहीं तो इतने दिन मैं समझौते का प्रयास कर रहा था और मैंने कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं समझौते का प्रयास कर रहा हूँ और ये तो उल्टे रास्ते दौड़ रही है और ये किसी के कहने से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है और इसकी इच्छा 1% भी नहीं है समझौते की, तो भाई आगे का कदम हमें भी उठाना आता है, हम भी सोच विचार के अब हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन हो रहे हाँ माने रोटी नहीं खाऊ तो इन्हीं रोटी को खाऊ दो, पकी है हमें तो बदनाम किया है, पहले ये सोशल मीडिया पे आई थी 2 साल बदनाम किया, हम चुपचाप बैठे रहे और जब हमें लगा कि अब ये हमारे हाथ से निकल चुकी है तो हम भी सोशल मीडिया पे आए, हमें भी हमने भी रिएक्शन दिया और अब अभी भी टाइम है लेकिन अब इसको कुछ नए अंदाज में ही रिएक्शन देंगे, तो समय रहते संभल जाओ मत करो ऐसे, हमें सब कुछ आता है, हमें मजबूर मत करो। ओके बाय दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी में था तो बराबर वीडियो सेट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट ठोक देना, शेयर कर देना, और कल बहुत शानदार वीडियो लाऊंगा मैं और बकायदा पूरा आपको सबूतों का ढेला ढेर कर दूंगा इस सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मामला बैठने वाला नहीं है, मामला पूरा ही खुलासा ही कर दें क्या ना भाई, बात पेट में कब तक दबाएंगे, बात पेट में दबाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये झूठा है, तो इसको यही करना है, इसकी पोल खोलनी है, तो पोल खोल अभियान शुरू कर देते हैं। आपको किस आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी चीज़ का सबूत चाहिए, मैं सबूतों को डिक्लेयर ढेर कर देता हूँ, बिना सबूत मैं कोई बात ही नहीं करता, हर चीज़ के मेरे पास सबूत है, गौतम के सबूत चाहिए, कपिल के सबूत चाहिए या इसके सबूत चाहिए, वो तो बात छोड़ो, आप सबूतों के बिना मैं पहले हाथ नहीं उठाता हूँ और ना काम करता हूँ जब मुझे। और रही बात जो ये शादी वाली बात थी, तो ये घमू खुद ने अपने मुंह से बताई है कि उसको कई लोगों ने बोला है कि भाई आप समझौता क्यों नहीं करने चाहते हो, तो ये घमू खुद ने अपने मुंह से बताया है, उसकी बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है कि मैं इसलिए समझौता नहीं करने चाहती हूँ कि मेरे और उसके ये डील हो रखी है और मैं जो उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है नहीं, तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो मेरे से शादी करना चाहता है, और बकायदा उसने नाम जाति सारा कुछ बताया, तो अभी वो बंदा कौन है मैं उसका तपास कर रहा हूँ, और ये घमू के खुद के मुंह से कही हुई बात है, बाकी लोगों पर अपन विश्वास नहीं करते लेकिन ये घमू खुद ने कहा है, उसकी मेरे पास सबूत है। तो बताओ आप अपन कब तक पीछे भागेंगे, वो तो कह रही है खुला कह मैं तो उसके साथ जाऊंगी और उसके शादी कर रही हूँ, अब उसकी बच्चों वाली प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो आगे वाला तो बच्चों को थोड़ी लेके जाएगा ले जाने वाला, तो ठीक है भाई मेरे बच्चे देते मुझे और जा, तो तेरे जाना तो देखते हैं कौन ले जाता है, किसकी हिम्मत है, बच्चे तो मेरे वापस दे दे फिर तुम जा, जहाँ जाना है जा एंजॉय कर, हमारे में ताकत है तो हम रोक लेंगे, नहीं ताकत है तो ठीक है जाओ, लेकिन हमारे बच्चे वापस दे दो।